तो भाई लोग, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। कल जब से अनाउंस करा गया था कि कल की 2898 की न्यू रिलीज डेट फाइनल कर दी जाएगी और यस लॉक हो चुकी है। भाई साहब रिमाइंडर सेट कर लीजिए, 27 जून को हमें ये कल की 2898 मूवी देखने को मिल जाएगी। इस दिन थिएटर हाउस पर वर्ल्ड वाइड ये मूवी रिलीज हो जाएगी। इसको लॉक कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, दिल में फिट कर लो, जहां मर्जी चाहे वहां फिट कर लो। क्या बोला तूने? क्योंकि इस मूवी के लिए भाई लिटरली लोग वेट कर रहे हैं, और जो वेट कर रहे हैं, जो डाई हार्ड फैंस हैं, वो नोट कर लीजिए इस डेट को। फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने हल्के में टरका देंगे, क्योंकि सोचा ये गया था पिछली बार जब अश्वत्थामा का ग्लिम्स निकाला गया था करेक्टर इंट्रोडक्शन का, भले वो 20-21 सेकंड का था स्टार्टिंग में, तो सोचा ये जा रहा था कि कुछ मूवी से क्लिप्स या फिर एक ग्लिम्स टाइप का, या फिर हु नोज कि दीपिका पादुकोण के साथ वो करेक्टर इंट्रोडक्शन कुछ कर दें वगैरह, ऐसा उम्मीद जता रहे थे कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा, लेकिन पोस्टर में टरका दिया भाई। वैसे देखा जाए तो न्यू पोस्टर भी दमदार है, कोई इतनी शिकायत है नहीं फिलहाल के लिए, और तीनों ही एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो तीन मेन फेस होने वाले हैं मूवी में, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एंड अपने प्रभास भाई साहब तो हैं ही हैं। दूसरा भाई चिरंजीवी की अगर बात करें तो अश्वत्थामा ही फर्स्ट पार्ट पर रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ये बेस्ट मोमेंट था यहाँ पर किसी और को इंट्रोड्यूस करने का, और यहाँ पर कोई और चिरंजीवी को फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं करा जा रहा है, अश्वत्थामा को ही किया जा रहा है। एंड न्यूज़ ये भी थी कि भाई मूवी के एंड होते होते अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी किसी कारणवश एक एक्सीडेंट में। वो मैंने बहुत सी वीडियोज में पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, प्रीवियस वीडियोज देख लेना है अगर आपको थोड़ा सा जिज्ञासा जगे तो। दूसरा मूवी में नेक्स्ट जो चिरंजीवी होने वाले हैं यानी परशुराम या फिर हनुमान जी, क्योंकि ये लोग भी अच्छा मार्गदर्शन इनको देने वाले हैं, किसको? कल्कि को, जो कली से लड़ेगा, और कल्कि के पास वो वॉरियर एक्सपीरियंस नहीं है, तो परशुराम और हनुमान जी से बेहतर और कौन इन्हें सिखा सकता है कि कैसे बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं और कैसे किसी बड़े दैत्य राक्षस को हराया जा सके। तो भाई मूवी की डेट हो चुकी है लॉक। मूवी का बजट अगर मैं आपको बता दूं तो भाई 600 करोड़ दिखाया जा रहा है, जो स्टार्टिंग में आई थिंक 350 करोड़ के आसपास दिखाया जा रहा था। और VFX में जो अगर मैं बताऊं कि मूवी डिस्टोपियन एरा को फॉलो करेगी, तो VFX का बहुत भारी भरकम रोल होने वाला है, और वो पोस्टर से ही पता लग रहा है। तो VFX का बहुत रोल होने वाला है, और VFX डिजाइन कर रही है DNEG कंपनी, जिसने अभी करके ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2 के लिए VFX डिजाइन करे हैं। और ड्यून अगर आपको पता हो हॉलीवुड की वो मूवी जो VFX के लिए ऑस्कर विनिंग मूवी रही है, तो भाई नो डाउट VFX के बाद में हल्का फुल्का एंगल हमें देखने को मिलेगा। बाकी दीपिका पादुकोण का रोल ये होने वाला है, उनकी वाइफ जो पद्मा के नाम से इंट्रोड्यूस करी जा रही है अकॉर्डिंग टू वेदा हिस्टोरिकल कनेक्शन। बाकी मूवी की अदर कास्ट के बारे में बात करें तो कली के रूप में हमें कमल हसन देखने को मिलने वाले हैं, एंड दिशा पटानी भी सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलने वाली है। बाकी कैमियोज की बात करें तो भाई साहब कैमियोज के रूप में हनुमान जी का भी रोल हो सकता है, देखने को मिल सकता है, और ऋषि मार्कंडेय का रोल भी देखने को मिल सकता है। तो भाई मूवी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, और यह नया पोस्टर आपको कैसा लगा, जो एक बार के लिए समुद्र जैसा भी लग रहा है, नीचे कली की जो दुश्मन सेना होगी वो टूटी फूटी नीचे बिखरी पड़ी है, साइड में बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग जो AI जनरेटेड देखने को मिल रही है, देन इसके साइड में दूसरी तरफ भी वो बिल्डिंग वगैरह देखने को मिल रही है जो फ्यूचर में आने वाली कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।